हाय प्रिंस साहब, सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज शाम, ये शाम का समय है और हम अपने गार्डन में फिर से आ गए हैं कुछ गुलाब के पौधों की जानकारी लेके। ये हमारा गुलाब का पौधा है, ये थोड़ा कमज़ोर हो चुका है क्योंकि ये पौधा जो है हम छाया में रखे थे, इसमें धूप कम लगती थी, ये काफ़ी कमज़ोर हो गया है। और गुलाब के पौधों के लिए 6 घंटा धूप जरूरी, बहुत ज़रूरी है। ये जो है हम धूप में रखे थे, देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। इसमें छोटी छोटी गुलाब की कलियां भी आ गई हैं, मगर ये पौधा भी थोड़ा कमज़ोर है, मगर पहले वाले पौधे से ज़्यादा बेटर है। अब हम अक्टूबर, ये अक्टूबर का महीना है, अब इसमें हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये आगे चल के काफ़ी फूल भी देगा और पौधा काफ़ी हेल्थी भी बन जाएगा। ये पौधा जो है हमारा, ये भी गुलाब का ही पौधा है, इसमें पीले कलर का गुलाब का फूल आता है और ये काफ़ी अच्छा पौधा हो चुका है क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र के साथ साथ खाद भी डालने के बाद हमने पूरा 6 घंटे का धूप इसको दिया है हर दिन। ये काफ़ी अच्छा गुलाब का पौधा हमारा तैयार हुआ है और इसमें काफ़ी ब्रांच निकल रहे हैं और कलियां भी निकल रही हैं। ये काफ़ी छोटा पौधा है तब भी काफ़ी हेल्थी है। गुलाब के पौधे में सबसे पहले आप जो इसकी सूखी पत्तियां होती हैं वो निकालिए, हटा दीजिए। ये देखिए यहाँ से छोटे छोटे ब्रांच निकल रहे हैं, यहाँ हमने पिंचिंग कर दिया था पहले से। अब यहाँ जहाँ जहाँ पिंचिंग नहीं हुई है वहाँ वहाँ हम गुलाब की टहनियों को काटेंगे, जो जो खराब टहनियाँ उसको भी निकालेंगे। जितनी भी टहनियाँ निकली हैं अगर उसमें आप एक बार पिंचिंग कर देंगे तो उसमें दो दो ब्रांच निकलेंगे और काफ़ी उसी ब्रांच में काफ़ी फूल भी आएंगे। अक्टूबर के महीने में अगर आप कर देंगे तो सर्दी आते आते इसमें काफ़ी फूल लगना शुरू हो जाएगा। इसकी सारी सारी टहनियों में एक एक बार हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ यहाँ का हम हटा देंगे। आप महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में इसी तरह पिंचिंग करते रहेंगे गुलाब के पौधों का तो ये काफ़ी अच्छा फूल देंगे और काफ़ी ये हेल्दी होगा और घना भी होगा। अब इसकी गुड़ाई कर लेंगे हम। इसको महीने में आप एक या दो बार गुड़ाई ज़रूर कर लिया करिए, इससे जो है गुलाब के पौधों की जड़ों को भरपूर मात्रा में वो सांस लेते हैं, इससे जो है पौधा काफ़ी अच्छा होता है। गुलाब के पौधों को, गुलाब के पौधे की मिट्टी थोड़ी मुलायम रहनी चाहिए, इसलिए जो है महीने में एक या दो बार आपको जब भी टाइम मिले इसकी गुड़ाई कर दीजिए, ये पौधा अच्छा बना रहता है। इसकी मिट्टी काफ़ी मुलायम है। ये हमने केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाया है, ये 2 दिन पुराना छिलके का पानी है। अब इसको हम गुलाब में डालेंगे, पहले इसको इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा,
अब ये देखिए फर्टिलाइजर बन गया, तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके गुलाब की जड़ों में डालेंगे। ये काफ़ी पावरफुल फर्टिलाइजर।